नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 2023 में सोमवती अमावस्या कब मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या का हमारे जीवन में क्या महत्व है और इस दिन पूजा करने से हमें कौन कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या के दिन हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें तथा वह कौन सा उपाय है जिसको करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अमावस्या तिथि का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। इस दिन सभी लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं। जो लोग स्नान कर पाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग नहीं स्नान कर पाते हैं, कहीं पवित्र नदी के पास नहीं जा पाते हैं, तो वो जब भी स्नान करें अमावस्या तिथि के दिन, तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य मिलाकर तब स्नान करें। इससे उन्हें वही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जब भी पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ने की वजह से अमावस्या तिथि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्रियां और कन्याएं अपने पति की लंबी उम्र तथा अखंड सौभाग्य के लिए माँ पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करती हैं और पीपल के वृक्ष की 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करती हैं। इससे उनका अखंड सुहाग बना रहता है। सोमवती अमावस्या के दिन माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करने के साथ साथ पीपल वृक्ष की भी परिक्रमा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बाकी अमावस्या की तुलना में सोमवती अमावस्या का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें तो अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 108 बार वृक्ष की परिक्रमा करें। ये बहुत ही पुण्यदायक होगा। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो सोमवती अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन आप स्नान करके दान और पितरों को तर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं और आप पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन दान करने से सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं। हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सोमवती अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन स्नान करने के पश्चात एक लोटा जल लें, उसमें काला तिल, थोड़ा गंगा जल और गुड़ डालकर दक्षिण की तरफ मुँह करके और अपने पितरों के नाम पर धीरे धीरे उस जल को अर्पित करें। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस्या के दिन अपने पितरों का नाम लेकर श्रीमद् भागवत के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। और इस दिन आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। हमारे पंचांग के अनुसार 2023 में अमावस्या तिथि 16 जुलाई दिन रविवार के दिन रात में 10:18 पर प्रारंभ होगी और 17 जुलाई दिन सोमवार के दिन आधी रात को 12:01 पर अमावस्या तिथि समाप्त होगी। स्नान और दान के लिए हमेशा उदया तिथि ही मान्य होती है। ये 2023 में सावन माह की अमावस्या 17 जुलाई दिन सोमवार के दिन मनाई जाएगी। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।